अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अभी आप लोग देख चुके कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आपको जानना चाहिए साइन, माइनर और कोफैक्टर। अब थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन जो है इसका वो होता है अलजेब्राइक सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर रो और कॉलम। मतलब किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स का जो अलजेब्राइक सम हो वो इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है तो इन नौ एलिमेंट से हम सोल्व नहीं करेंगे। एक एक बात को ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ी आसान से आप समझ लीजिएगा। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे और उनका अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम आर्बन की बात करते हैं, तो आर्बन में कितना एलिमेंट है? 3। कौन कौन है? तो 1 2 3। इस तीनों एलिमेंट 1 2 और 3 के कोफैक्टर्स का अलजेब्रिक सम निकालेंगे और इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वही सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। फिर से देखना, 1 2 3 हमने क्या किया? कुछ नहीं, एलिमेंट को लिख दिया। अब सबके साइन को लिखते हैं, तो 1 का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 2 का साइन क्या होगा? नेगेटिव। 3 का साइन पॉजिटिव। क्या बताए थे भाई, फिर से रिवाइज कर देते हैं। जो डायगोनल का एलिमेंट है उनका साइन पॉजिटिव होगा और बाकी का साइन नेगेटिव होगा। तो 1 और 3 तो डायगोनल का एलिमेंट है इसलिए प्लस हो गया। अब क्या कीजिए, माइनर लिख दीजिए। तो 1 का माइनर क्या बताए थे? 1 वाले रो को छोड़ देंगे, 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे। फिर से 1 वाले रो को छोड़ दीजिए, 1 वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या आपको दिख रहा है कि सिर्फ 5 6 8 और 9 बच गया? यही तो माइनर है, 5 6 8 और 9। चलिए 2 वाले का माइनर लिखते हैं। सोचिए, इससे पहले कि हम लिख दें आप सोच लीजिए, 2 वाले रो 2 वाले कॉलम छोड़ दिए, बच गया 4 6 7 9। लिख देते हैं 4 6 7 9। और 3 का माइनर क्या होगा भाई, आप सोच रखे होंगे। देखिए 3 वाले रो और कॉलम गया, तो 4 5 7 और 8। अब इनका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ये हो गया 9 गुने 5 45, माइनस 8 गुने 6 48। 45 में से 48 घटाएंगे, -3, ये हो जाएगा 36, -42, -6, या +3 गुना 8 चौके 32, -7 5 35, यानी -3। ये हो गया भाई -3 + 12 - 9। क्या करेंगे? -3 और -9 पहले करेंगे, पहले का करी पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा। 9 3 12, -12 और +12 मिलकर के 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। है ना आसान? बहुत ही आसान है। अगर कहीं दिक्कत है तो हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। आपको थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को यदि सोल्व करना हो तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स
के कोफैक्टर का अलजेब्राइक सम निकाल लीजिए। जो अलजेब्राइक सम होगा वही इनका सॉल्यूशन होगा। एक आध सवाल और देख लेते हैं, बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए ये एक घंटे का वीडियो आपका, ये पूरा चैप्टर मजबूत कर देगा। मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 7 से 8 नंबर मैथ में और इसको अप्लाई करते हुए 10 से 12 नंबर तक पहुंचा जा सकता है। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है सोल्व 1 1 1 1 2 4 1 3 9। एक मिनट में आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। निकाल लिए होंगे तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए R1 से हम एक्सपेंड करते हैं। हमने क्या कहा था कि R1 के एलिमेंट को आप लिख दीजिए थोड़ा दूरी बनाते हुए। अब सब का साइन लिख दीजिए, तो 1 का साइन प्लस, 1 का साइन माइनस, और इस 1 का साइन प्लस। 1 का माइनर ले लेते हैं तो 1 का रो और कॉलम जाएगा, बचेगा 2 4 3 9। इस माइनस 1 का साइन ले लेते हैं, माइनर लेते हैं, तो ये कॉलम रो और ये कॉलम जाएगा। देखिए भाई ये रो और ये कॉलम, तो बच गया 1 4 1 9। अब इस 1 वाले एलिमेंट को देखिए, तो 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम, तो जो बच गया वो लिख दे, ये हो जाएगा 1 2 1 3। अब ये हो जाएगा 2 9 18 -12 -9 -4 प्लस 1 × 3 -2 यानी ये हो गया 6 -5 जोड़े 6 और 1 7 में से 5 गया 2। अब मैं आपको बताऊंगा इसको चेक करने के लिए ट्रिक्स भी, लेकिन पहले आप मेथड से सीखिए। ट्रिक्स इसका क्या हो, अगर कोई डिटरमिनेंट हो इस प्रकार से 1 a a² 1 b b² 1 c c² तो ऐसे डिटरमिनेंट को करते हैं सर्कुलर डिटरमिनेंट, और इनका आंसर होता है a - b गुना b - c गुना c - a। तो आप देखिए 1 a a² 1 का स्क्वायर 1, 1 b b² 1 c c² 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहां आंसर हो जाएगा a के जगह पर 1, b के जगह पर 2, b के जगह पर 2, c के जगह पर 3, फिर c के जगह पर 3, a के जगह पर 1, यानी -1 - -1 - 2 यानी। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, पूरा सीखना तय है, आप बस स्थिर से वीडियो को पूरा देखिए। पूरा का पूरा डिटरमिनेंट आपका 1 घंटे में मजबूत। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 1 1 1 2 8 1 3 27। देखते हैं इसका वैल्यू क्या मिलता है। आप वीडियो पॉज करके इसको बनाएंगे, 10 सेकेंड में बनाएंगे। कैसे, 1 1 1 इसका साइन 1 पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, माइनस लिखते हैं भाई, ये गया और ये गया, 2 8 3 27। माइनस 1 का माइनस, ये वाले कॉलम और ये वाले रो गए, बच गया 1 8 1 27। इस 1 के लिए रो कॉलम गया, बच गया 1 2 1 3। तब ये हो जाएगा देखिए 27 × 54 -8 = 24 -1 × 27 -8 +3 -2 ये हो जाएगा 30
माइनस 19 प्लस 1 30 और 1 31 में से 19 गया 12 हो गया 12 9 21 10 31। इसका भी ट्रिक्स है, ये दोनों ट्रिक्स एक साथ लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, काम आएगा कि अगर 1a² 1bb² 1cc² है तो ये भी सर्कुलर डिटरमिनेंट है और इनका वैल्यू होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए के जगह पर देखिए 1 है, बी के जगह पर 2 है, सी के जगह पर 3 है, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1, 2 और ये हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, यानी 6 टू जा 12, देखिए वही आंसर होगा। हम समझते हैं कि आप थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख गए होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन का अर्थ हुआ किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का अलजेब्रिक सम जो होगा वही उस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होगा। लेकिन बोर्ड में हमेशा एक्सपेंड करके आप नहीं बना सकते, ये ऑब्जेक्टिव लेवल के सवाल को बनाने के लिए हुआ। बोर्ड में बनाने के लिए कुछ डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं। अगला फंस रहा, तो हम देखते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उम्मीद है जितना अच्छा से आप इधर सीखे उतने ही अच्छे से आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को भी सीखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हेडिंग लगाएंगे, कुछ डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, बाद बाकी कुछ भी हो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो, या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो। क्या सीखे, किसी डिटरमिनेंट के एक रो का सभी एलिमेंट या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो। अब ये कोई भी रो हो सकता है, कोई भी कॉलम हो सकता है, यहां पहला रो का सब एलिमेंट जीरो है, यहां पर दूसरा कॉलम का सब एलिमेंट जीरो है। इसको अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर रो और कॉलम आर जीरो। अगर पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। मतलब यहां देखिए R1 में क्या था, ABC, R2 में क्या था, ABC, आइडेंटिकल माने क्या होता है, सेम। तो जो R1 में है वही R2 में, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दो कॉलम भी सेम हो जाए तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा जीरो, यहां C1 और C3 आइडेंटिकल है। फिर से दो प्रॉपर्टी देखते हैं, पहला क्या था भाई, किसी एक रो का सभी एलिमेंट या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो तो डिटरमिनेंट जीरो। किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तीसरा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप रो वाले एलिमेंट को
अगर कॉलम में लिख देते हैं, जैसे R1 का एलिमेंट C1 में चला जाए, R2 का एलिमेंट C2 में चला जाए और R3 का एलिमेंट C3 में चला जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है। क्या बताया फिर से समझिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के रो वाले एलिमेंट को कॉलम में बदल दें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा। चौथा प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। मतलब एबीसी R1 में था तो हम एबीसी को R2 में कर दिए और जो R2 में था DEF उसको R1 में कर दिए और ये हो गया GHI। फिर से चारों प्रॉपर्टीज एक बार एकदम याद हो जानी चाहिए भाई, बहुत ही आसान है। अगर किसी डिटरमिनेंट के एक रो का सब एलिमेंट 0 तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। दूसरा प्रॉपर्टीज, किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तीसरा बताए कि अगर रो वाला एलिमेंट कॉलम में बदल जाए, जो R1 में था वो C1 में, जो R2 में था वो C2 में आ गया, जो R3 में था वो C3 में आ गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा। चौथा क्या है कि किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, R1 के जगह पर R2, R2 के जगह पर R1, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने चार प्रॉपर्टीज देखा, बस दो प्रॉपर्टीज और, इसके बाद पूरा डिटरमिनेंट किसी भी किताब से आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पांचवा प्रॉपर्टीज देखिए, मान लेते हैं कि कोई डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI और आप चाहते हैं कि इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतना होगा कि डिटरमिनेंट में जब भी हम कोई बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नोवो एलिमेंट में नहीं करते हैं, या तो हम एक रो में करेंगे या फिर एक कॉलम में करेंगे। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2A 2B 2C फिर DEF IGTs रह जाएगा। ये परेशान कर सकता है सवाल बनाने में आपको, इसको फिर से समझिए बारीकी से कि whenever we have to multiply the determinant by any number then we have to multiply the determinant by that number in a particular row or column only। अर्थात जब भी किसी डिटरमिनेंट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो तो डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में गुणा करेंगे, न कि नोवो एलिमेंट में गुणा करेंगे। आप R1 में गुणा कर सकते हैं, आप R2 में गुणा कर सकते हैं, R3 में भी गुणा कर सकते हैं या C1 में गुणा कर सकते हैं, मतलब जहां भी कीजिएगा, बस ध्यान रहे कि एक ही रो में करना या एक ही कॉलम में करना। छठा प्रॉपर्टीज होगा, किसी डिटरमिनेंट में से बाहर कॉमन निकालना हो तो फिर यही प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएगा। क्या कि कॉमन इज टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिटरमिनेंट फ्रॉम अ पार्टिकुलर रो और कॉलम ओनली,
किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 2, 4, 6, 3, 6, 9, 5, 10, 15, तो आप कॉमन के लिए सभी में कॉमन नहीं तलाशेंगे। आप R1 से अलग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना हो तो R1 से कॉमन चला जाएगा कितना 2, R2 से कॉमन चला जाएगा कितना 3, R3 से कॉमन जाएगा कितना तो 5, यानी R1 से अलग कॉमन हो गया, R2 से अलग कॉमन हो गया, R3 से अलग कॉमन हो गया। मतलब R1, R2, R3 से अलग अलग कॉमन लेंगे तो 2, 3, 5 गुना के रूप में बाहर निकलेगा, कॉमन हो जाएगा और तब डिटरमिनेंट बच जाएगा 1, 2, 3। यहां भी बच जाएगा 1, 2, 3 और यहां बचेगा 1, 2, 3, 5 कॉमन था। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। क्यों? क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टीज लागू हो गया, दो रो और दो कॉलम सेम हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहे। अब इसका आखिरी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके बाद पूरा एक्सरसाइज आप स्वयं बना लेंगे। आपके सामने मैं यहां सभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। छठा प्रॉपर्टीज है, सातवां प्रॉपर्टीज है कि किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि किसी एक खास रो या खास कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए। टू गेट मैक्सिमम 0 आप कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशन कर सकते हैं। ये अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है यही समझना है। तो आप एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, तीसरे रो को भी जोड़ सकते हैं, किसी एक रो में दूसरे रो को घटा सकते हैं, किसी एक रो में दूसरे रो को जोड़ कर करके घटा सकते हैं। यानी जोड़ और घटाव संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। यही ऑपरेशन आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा कि व्हेनेवर वी हैव टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट वी गेट मैक्सिमम 0 इन ए पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम। मतलब जब कभी भी डिटरमिनेंट के सवाल को बनाना हो तो हमको ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 0 किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आ जाए। 12 के सवाल में पूछा जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व द डिटरमिनेंट, तो यही सब प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे। लास्ट वाला प्रॉपर्टीज एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम 0 प्राप्त करने के लिए आप किसी एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं या तीनों रो को जोड़ सकते हैं या किसी एक रो में दूसरे रो को घटा सकते हैं या दो रो के एलिमेंट को जोड़ करके घटा सकते हैं। बस जोड़ और घटाव संबंधित काम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि रो का ऑपरेशन कॉलम के साथ नहीं हो, रो का ऑपरेशन रो के साथ, कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ। किसी एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना नहीं कर सकते। इतनी बात यदि आपको ध्यान में रहती है तो डिटरमिनेंट से संबंधित कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। तेजी में जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिटरमिनेंट है जिसके पहले कॉलम में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, दूसरे में है ए बी सी, तीसरे में है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, कैसे बनाएंगे? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है 12th में,
देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो कैसे आ जाए किसी एक रो में। तो देखिए, अगर हम C1 वाले एलिमेंट में C2 को जोड़ दें तो हमको C3 प्राप्त हो जाएगा। C1 का एलिमेंट कौन? X, Y, Z। C2 में एलिमेंट कौन कौन? A, B, C। C1 में C2 जोड़ेंगे मतलब किस में किसको जोड़ेंगे? तो X में A को जोड़ेंगे, Y में B को जोड़ेंगे, Z में C को जोड़ेंगे। ऑपरेशन हुआ है C1 में तो C1 में ऑपरेशन करेंगे, X में A जोड़ दिया, Y में B जोड़ दिया, Z में C जोड़ दिया, C2 और C3 को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑपरेशन तो सिर्फ C1 में हुआ था। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा डिटरमिनेंट मिल गया जिसका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि दूसरा प्रॉपर्टीज बताए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है यदि इसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। नोट कीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। सवाल कहता है कि इसका वैल्यू प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट इसका वैल्यू होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कैसे बनाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये सवाल बिहार बोर्ड में 12th में 3 साल पूछा जा चुका है। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर। ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। तो आप क्या सोचिएगा कि R1 में R2 को घटा देते हैं तो ये जीरो मिल जाएगा। क्यों नहीं R2 में R3 को भी घटा दिया जाए, वहां भी जीरो मिल जाएगा। यानी दो ऑपरेशन करते हैं भाई, R1 में घटा देंगे R2 को और R2 में घटा देते हैं R3 को। चलिए क्या मिल जाएगा? R1 का एलिमेंट क्या है? 1a स्क्वायर। R2 का एलिमेंट 1b b स्क्वायर। घटाना किस में है? R1 में। किसको? R2 को। चलिए उंगली रखते हैं, ये R1 का एलिमेंट ध्यान से सीखिएगा, इसमें से घटाएंगे R2 के एलिमेंट को, क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से सोचिए, R1 का एलिमेंट है A, R2 का एलिमेंट है B, घटाएंगे होगा A माइनस B, और आगे बढ़िए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए तो R2 में से R3 घटा के देख लीजिए, एक मिनट पॉज करके वीडियो। तो 1 में से 1 घटाएंगे पुनः 0, b में से c घटाएंगे b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये बचेगा 1c c स्क्वायर। अब देखिए r1 वाले एलिमेंट को और एक्सपेंड कर देते हैं, ये बच गया 0, ये a माइनस b, और यहां हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अलजेब्राइक आइडेंटिटी सब जानता है भाई, लॉलीपॉप है, a प्लस b इनटू a माइनस b। और देखिए 0, यहां है b माइनस c, क्या b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को आप तोड़ दीजिएगा इसी प्रकार से? हाँ बिल्कुल तोड़ दीजिए। b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को क्या लिखेंगे? b प्लस c इनटू b माइनस c। अब बच गया 1c c स्क्वायर। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी लगाने के लिए सोचिए कि क्या इस डिटरमिनेंट में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। R1 में a माइनस b है, कहिएगा यहां तो नहीं है? जीरो में सब शामिल है, जीरो में a माइनस b भी शामिल है, तो a माइनस b R1 में कॉमन गया। इसको लिखना भी होगा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। तो R1 से कॉमन क्या गया? a माइनस b, और R2 से कॉमन क्या गया?
बी माइनस सी, तो आर वन और आर टू से कॉमन ले लिया ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो अब आर वन में एलिमेंट क्या बचेगा, जीरो, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, आर टू में देखिए यहाँ बचेगा जीरो, ये वन और ये बी प्लस सी, और आर थ्री से तो कुछ हमने किया ही नहीं, तो ये वन सी और सी स्क्वायर। अब देखिए कॉलम वन में दो जीरो आ गए, तो हम कॉलम वन से एक्सपेंड कर देते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग आर नहीं सी वन, तो हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये हो गया वन। वन का माइनर क्या होगा, वन वाले रो और वन वाले कॉलम को काट दीजिए, तो बच गया वन ए प्लस बी, वन बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। फिर से समझ लीजिए, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का गुणनफल में से घटाते हैं सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का गुणनफल, यानी ए माइनस बी, देखिए बी से बी कट गया, आंसर हो गया ए माइनस बी गुना बी माइनस सी, और ये बच गया C माइनस ए, और यही हमको लाना था, दोनों मिला कर करके एक वीडियो। अब बनाएंगे टूल्स वाला, ज्यादा रुक जाते हैं, ज्यादा लगता है बोल देते हैं, नहीं बंद नहीं पूरा, एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया है, रिकॉर्डिंग तो पूरा हुआ है। और इंसफिशिएंट स्टोरेज।